सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम शैडी है और आज इस वीडियो में जो हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं टेक्नो स्पार्क 8T का, टेक्नो स्पार्क 8 प्रो का ऑलरेडी हमने अनबॉक्सिंग किया है। यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ मिलती है, जो कि 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, हीलियो G35 मिलता है, 1080 मेगापिक्सल का जो है LCD डिस्प्ले यहाँ पे हमें मिलता है। चेकआउट करते हैं कि क्या क्या हमें जो इसके अंदर मिलता है और मतलब डेली यूज़ में जो है ये अच्छा रहेगा कि नहीं, गेमिंग के लिए अच्छा है कि नहीं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जिसे हम लोग अनबॉक्स करते हैं, यहाँ पर हम लोग को फ़ोन मिल जाता है, उसी के साथ साथ जो है गाइज इतने कुछ खास यहाँ पे एसेसरीज आपको नहीं मिलती है, मतलब क्वालिटी जो है इतनी खास नहीं है। बट एक यहाँ पे जो है मैंने इसको बाय किया है 9000 रुपीज़ में, तो 9000 रुपीज़ के हिसाब से जो है ठीक ठाक ही मुझे लगा। बैक कवर आपको मिलता है, 12 मंथ्स की वारंटी मिलती है। अब हम लोग चेकआउट करते हैं कि चार्जर और सारी चीज़ें कितनी अच्छी है। तो चार्जर आप लोग को मिलता है जो कि बिल्कुल भी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता, एकदम नॉर्मल दिया है। उसी के साथ साथ जो एक डेटा केबल मिलते हैं वो भी सी टाइप है, बट उसकी भी क्वालिटी इतनी कुछ खास नहीं है। तो 9000 रुपीज़ के बजट में मैंने बाकी फ़ोन्स की भी अनबॉक्सिंग की है, रियलमी के फ़ोन्स हो गए, रेडमी के फ़ोन्स हो गए, तो मेरे को उसमें जो है थोड़ी अच्छी क्वालिटी लगी। बाकी एसेसरीज की बात करूँ, फ़ोन की बात करूँ तो बट इसकी जो है मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी। जो है प्रैक्टिकली यहाँ पे जो है फ़ोन बहुत ही अच्छा है, बट एसेसरीज इतनी कुछ खास नहीं है। फ़ोन दिखने में बहुत अच्छा लगता है, पीछे के साइड में आप लोग को थोड़ी जो है यहाँ पे टेक्नो की ब्रांडिंग वेंडिंग मिल जाती है। फर्स्ट टाइम बूटअप कर लेता हूँ तब तक आपको बताता हूँ कि क्या क्या हमें यहाँ पे चीज़ें मिलती है। नीचे के साइड में आप लोग को सी टाइप पोर्ट, हेडफोन जैक 3.5 mm का, स्पीकर ग्रिल मिल जाता है, कुछ वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन और पावर बटन मिलता है, और लेफ्ट साइड में आप लोग को जो है यहाँ पे सिम का जो है स्लॉट मिल जाता है, जहाँ पे आप लोग जो है 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड सब कुछ डाल सकते हो एक ही टाइम पे। तो इस बात करेंगे कैमरा सेटअप की, तो कैमरा सेटअप में यहाँ पे जो आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा, उसी के साथ साथ जो है आपको 8 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है आप लोग को ज़्यादा कुछ जो है क्लैरिटी आपको कैमरा में नहीं मिलती है, तो फिर भी जो है गाइस 10000 रुपये के बजट में ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। डेली यूज़ के लिए व्हाट्सअप अगर आपको चलाना है, फेसबुक चलाना है, क्रोम गूगल थोड़ा बहुत जो है नेट चलाना है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा फ़ोन है, बिल्कुल भी उसमें कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला। बट अगर आप लोग सोच रहे हो कि मुझे BGMI खेलना है, तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है फ्री फायर खेल सकते हो, बट BGMI इसमें टोटली मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके सारी चीज़ करके देख लिया है। ठीक है गाइस, फर्स्ट बूट में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे कुछ ऑलमोस्ट जो है 33% जो है भर जाती है पहली स्टोरेज, और बाकी की जो है अवेलेबल है जो कि एक 40 GB तक होगी, उतनी जो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाती है। यहाँ से आप लोग जो है रैम एक्सटेंशन का एक ऑप्शन मिलता है, आप लोग को मैंने ऑलरेडी बताया था दूसरे अनबॉक्सिंग में, तो वहाँ से आप लोग रैम एक्सटेंड करोगे तो थोड़ा सा जो है फ़ोन स्पीड में चल जाएगा। बट गाइज अगर आप लोग को BGMI और सारी चीज़ें खेलनी है, थोड़ा सा गेमिंग टाइप चाहिए, तो आप लोग जो है स्पार्क 8 प्रो की तरफ जा सकते हो, उसकी भी मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग बनाई है, आई बटन पर आपको मिलेगी। तो जो भी 10000 रुपये के रेंज में फ़ोन्स अभी अवेलेबल है, जो कि अच्छे क्वालिटी वाले फ़ोन्स है, हैंग नहीं होंगे, ऐसे फ़ोन्स की जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे रहा हूँ, लाइन से लिस्ट दे रहा हूँ, तो आप लोग उसमें से कोई भी जाके चेकआउट करके जो है बाय कर सकते हो। सारे के सारे ही अच्छे चलने वाले हैं और बिल्ड क्वालिटी भी उसकी अच्छी रहने वाली है। एक प्रॉब्लम आता है गाइस सर्विस सेंटर का और सारी चीज़ों का, तो उसके लिए मैं जो है ज़्यादा करके टेक्नो के फ़ोन्स को नहीं बोलता हूँ, क्योंकि सर्विस सेंटर और आफ्टर सेल सर्विसेज इतने कुछ खास इसकी मुझे नहीं लगी। बट ख़राब भी इतना जल्दी नहीं होता है, तो नॉर्मली आप इसको ले सकते हो। अभी के टाइम में जो है थोड़ा सा ब्रांड बना हुआ है ये, अभी भी इसके जो है फ़ोन्स 10-12-15000 रुपये में आप लोग को जो है ऑलमोस्ट 3-4 GB रैम दे रहे हैं, तो ठीक है, कोई यहाँ पे आपको इशू नहीं आने वाला। आई होप गाइस आप लोग को जो वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ आपको क्वेश्चंस है, क्वेरी है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके बता सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।